अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं और आपको लगता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि जहां पर आपने रूल को तोड़ा वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसे वायलेशंस को रोकने के लिए दिल्ली सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है, ऐसे कैमरों का इस्तेमाल कर रही है जो कि वाहन की नंबर प्लेट से ही जो वायलेशन करने वाला है उसकी तमाम जानकारियां लेकर उस पर सीधे तौर पर जुर्माना करेगी। फिलहाल ऐसी 500 जगह जो है सुनिश्चित की गई है जहां पर इस इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम को लागू किया गया है और इसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने योजना शुरू की है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी हमारे साथ है। सर, क्या योजना है जी? तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो वायलेशंस जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं लेकिन चालान वगैरह काटने में मैनुअली मुश्किल होती हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए और जो कुछ कैमराज ऐसे भी होंगे जो नंबर प्लेट को रीड करके और तुरंत इंटेलिजेंस के द्वारा उसको चलान ऑटोमेटिक काट देंगे। 500 जगहों को चिन्हित भी किया गया है सर? जी बिल्कुल, जो जहां ट्रैफिक ज़्यादा है वो सारी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया। सर, एक आपने एक प्रस्ताव और रखा था जो कंजेक्शन के लिए कि जो भीड़ भाड़ वाले सुबह शाम की भी, उसको लेकर क्या तक योजना पहुँची सर? उसको एग्जामिन किया जा रहा है, बेसिकली पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए और ट्रैफिक को किस प्रकार से स्टैगरिंग कर सकते हैं, बट वो अभी बड़ा इनिशियल स्टेज में है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि लीगली एग्जामिन किया जा रहा है कि किस प्रकार से उसको हम रोल आउट कर सकते हैं। एक बार जब वो पूरा एग्जामिन हो जाएगा उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंट करने की स्टेज, फिर किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, अगेन उसमें फिर AI का यूज़ किया जाएगा, कैमराज जो हैं दिल्ली पुलिस वाले हम यूज़ करें या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने अलग कैमराज को का इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें फिर उसके बाद एग्जामिन की जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक तो कि AI के जरिए जो ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं उन पर लगाम कसी जाएगी। सहयोगी चेतन के साथ जितिन भाटी में बात दिल्ली।